हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी मैम, संस्कृत मैम रेनू मैम। ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी संस्कृत पाठ माला भाग 4, षोडश पाठ है, पाठ 16, 16 पाठ, संधि परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ जॉइनिंग। कैसे संधि करते हैं, कौन कौन सी संधि होती हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, कौन सी संधि में क्या होता है, क्या उसके नियम होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। हमारा पहला है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों मेल करना। संधि करना मतलब उस शब्दों को मिलाना, मेल करना। दो वर्णों का परस्पर जो समीप आने पर उनके आकार और ध्वनि में जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन आता है, जब दो वर्णों के आपस में मिलने से उनके आकार में और उनकी ध्वनि में जो भी बदलाव आता है, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ऐसे जानिए आप इस माध्यम से, जैसे विद्या प्लस आलय है, तो विद्या ध्या, क्या हमारी आवाज निकल रही है आ, और इधर भी क्या आवाज आ रही है आ प्लस आ, तो विद्यालय क्या बन गया शब्द, विद्यालय। आ और आ मिलकर आ ही रहे तो विद्यालय बना। ऐसे दिक प्लस गज, यहाँ क है लेकिन हम एक नियम के अनुसार जो आपको बताएंगे संधि में, यहाँ क का तीसरा वर्ण हो जाएगा। क वर्ण में जो आते हैं क ख ग घ ण, क वर्ग में 5 वर्ग वर्ण होते हैं, तो उसका तीसरा वर्ण हो जाएगा क का ग बन जाएगा दिग्गज। निरस, तो इसमें हो जाएगा विसर्ग संधि है, निरस। संधि 3 प्रकार की होती है बच्चों, कौन कौन सी होती है, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। तो आपको पता लगा संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। अब हम सबसे पहले जानते हैं बच्चों स्वर संधि के बारे में, जॉइनिंग ऑफ वोवल्स। क्या होती है स्वर संधि, दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उनसे होने वाला जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसको स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस अ, अ प्लस आ, तो क्या हो जाएगा आ, ये अ आ क्या बन जाएगा, आ हो जाएगा। अ प्लस ये अ है, अ प्लस आ बराबर आ हो जाएगा। जैसे कि हिम प्लस आलय, तो हिम म, म में साउंड आ रही है, कौन सा निकल रहा है हमारा उच्चारण, अ, अ की ध्वनि आ रही है अ, और इधर है आ, अ और आ मिलकर क्या बन जाएंगे, आ हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा शब्द, हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है यण संधि, चौथा है वृद्धि संधि और 5वां है अयादि संधि। समझ में आया बच्चों, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। चलिए आज जानते हैं सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि क्या होती है, ह्रस्व या दीर्घ, यानी कि छोटा या बड़ा, अ ई ऊ री के बाद, चाहे वो छोटा चाहे वो बड़ा हो, इसके बाद कोई भी ह्रस्व या दीर्घ, अ ई ऊ री, कोई भी दीर्घ री आ ई ऊ री हो जाता है। जैसे अ प्लस अ, ये अ और अ मिलके क्या हो जाएगा, दीर्घ बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। अ और अ मिलके क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे ई प्लस ई, यहाँ चाहे बड़ी हो या छोटी हो, तो ये मिलकर क्या बन जाएगी, बड़ी ई बन जाएगी। ऐसे ही छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ है तो भी बड़ा ऊ बनेगा, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ भी अगर होता तो भी यहाँ बड़ा ऊ हो जाएगा। री प्लस री, तो क्या हो जाएगा, री बड़ा, ये री बन जाएगा। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए दीर्घ संधि के उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है। जैसे देव प्लस अन्नम, अ प्लस अ मिलकर क्या बन जाएगा, आ हो जाएगा, तो देवान्नम हो जाएगा। ऐसी मुनि प्लस ईश, ई प्लस ई क्या बना के बन जाएगा, यहाँ मुनीश। फिर यहाँ है सु प्लस उक्ति, उ और उ मिलके बड़ा हो जाएगा, सूक्ति हो जाएगा। जैसे वधु प्लस उत्सव है, उ प्लस उ मिलके बड़ा हो जाएगा, तो वधूत्सव हो जाएगा। अभी प्लस इष्ट, तो ई और ई मिलके क्या हो गया, अभीष्ट हो जाएगा। नदी प्लस ईश, ई प्लस ई क्या बन जाएगा, नदीश हो जाएगा। लघु प्लस
ऊर्मी। ऊ और ऊ मिलकर क्या बन जाएगा? लघुर्मी, बड़ा ऊ बन जाएगा लघुर्मी। भू प्लस ऊर्जा यानी कि ऊ और ऊ मिलकर क्या बन जाएगा? भूर्जा हो जाएगा। देव प्लस आलय, अ और आ मिलकर क्या बन जाएगा? देवालय। कपि प्लस ईशय, ई और ई बड़ी ई बन मिलकर क्या बन जाएगा? कपीशय हो जाएगा। गुरु प्लस उपदेशय, इधर गुरु ऊ साउंड कर रहा है, ऊ ध्वनि निकल रही है, इधर ऊ है, ऊ और ऊ मिलकर क्या बन जाएगा बच्चों? राइट, बड़ा ऊ बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? गुरूपदेशः। मातृ प्लस ऋणम, तो रि और रि मिलके मातृणम हो जाएगा। यहाँ तो हमने ये जाना दीर्घ संधि के उदाहरण के बारे में जाना। ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जो दीर्घ संधि के उदाहरण होंगे, जिनमें इधर ह्रस्व या दीर्घ हो और उधर भी ह्रस्व या दीर्घ हो, तो क्या बन जाएगा? बड़ा बड़ा आ या ई या ऊ बन जाता है, तो दीर्घ संधि कहलाती है। नेक्स्ट हमारी संधि है बच्चों गुण संधि। गुण संधि के बारे में जानते हैं। यदि, यहां से सुनिए, यदि आ या आ के बाद इधर अ या आ कोई स्वर आया है, वर्ण आया है, उसके बाद ई ई या आ आए, उधर इधर तो हो क्या हो अ या आ हो, और इधर क्या हो जाए ई हो या बड़ी ई हो या आ हो, तो क्या हो जाएगा? दोनों का क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अ या आ के बाद ऊ या ऊ हो, अगर इधर अ या आ है और इधर क्या हो? ऊ या ऊ हो, तो क्या बन जाएगा? ऊ या ऊ का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ओ हो जाएगा उसका। और यदि इधर अ या आ है उधर और इस वाले इस तरफ दूसरे पद में रि के आने पर क्या बन जाएगा? अर हो जाएगा, अर। और ऋ के आने पर क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा। तो ये कहलाएगी गुण संधि। गुण संधि के कुछ उदाहरण जानते हैं हम। जैसे इधर अ प्लस, इसके ये नियम है अ प्लस ई, तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। जैसे उप प्लस इंद्र बराबर क्या बनेगा? इधर अ है इधर ई है, तो ये क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, उपेंद्र हो जाएगा। ऐसे नर प्लस ईशय, इधर अ है और इधर बड़ी ई है, तो ये क्या बन जाएगा? ए नरेश। इधर महा आ और इधर बड़ी ई है, आ और ई मिलकर क्या बन जाएंगे? ए बन जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? महेशय हो जाएगा। महा प्लस इंद्र, आ इधर और इधर ई है, तो क्या बन जाएगा? महेंद्र हो जाएगा। ऐसे इधर बच्चों सूर्य प्लस उदय, यानी कि इधर अ सूर्य अ साउंड कर रहा है और इधर उ है, तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा। इधर नव प्लस ऊढ़ा, अ प्लस उ है, तो क्या ओ बन जाएगा? नवोढ़ा हो जाएगा। इधर गंगा प्लस ऊर्मी है, तो आ और उ मिलकर क्या बन जाएंगे? गंगोर्मी हो जाएगा। बसंत प्लस ऋतु, अ और री मिलकर अर हो जाएगा, बसंतरतु हो जाएगा। और आ प्लस री यानी कि महा प्लस ऋषि, आ और प्लस री मिलके अर हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। और इधर मम प्लस रकार है, अ प्लस र, तो क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा, ममल कार। तो ये गुण संधि के उदाहरण है कुछ जो हमने जाने बच्चों। नेक्स्ट हमारी संधि है यण संधि। यदि आप देखिए, यदि ई ऊ री और री के बाद, यदि ई ऊ री और री इधर के इधर हमारे पद में ई ऊ री या री हो, उसके बाद कोई भी असमान स्वर आए और कोई भी असमान स्वर आए, तो हमारी इस ई का क्या बन जाएगा? ई का ऊ बन जाता है, ऊ का व, री का र और री का ल हो जाता है। जैसे उदाहरण से जानते हैं हम, जैसे यदि प्लस अपि, ई और अ है तो यह हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा। यदि ई और अपि हो गया यद य अपि, यद्यपि हो जाएगा। इसी प्रकार हम इति प्लस आदि, ई और आ है तो या हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। जैसे सुधी प्लस उपास्य है, तो ई और उ मिलकर क्या बन जाएंगे? यू हो जाएंगे, सुध्युपास्य हो जाएगा। प्रति प्लस एकम, ई और ए मिलकर क्या बन जाएंगे? ई और ए मिलकर ये बन जाएंगे, प्रत्येकम बन जाएगा। मधु प्लस अरि, ऊ प्लस अ मिलकर बन जाएंगे, व बन जाएगा, मधवरी हो जाएगा। गुरु प्लस आदेश यानी कि ऊ प्लस आ मिलकर क्या बन जाएंगे? वा बन जाएंगे, गुरुवादेश हो जाएगा। जैसे वधु प्लस आगता, ऊ प्लस आ मिलके क्या बन जाएंगे? ऊ प्लस आ वा, वधवागता हो जाएगा।
ऐसे ही स्वर उस ऊ जो है और प्लस असमान स्वर हो तो र, जैसे मातृ प्लस अंश है तो ये री प्लस अ है तो ये र बन जाएगा मात्रंशः, और जैसे मात्रा प्लस इच्छा तो ये क्या हो जाएगी मातृ है, ये मातृ प्लस इच्छा तो री और ई मिलकर क्या बन गए मातृच्छा। जैसे पितृ प्लस एव है तो ये है री प्लस ए, क्या बनेगा रे बनेगा पितृव हो जाएगा। इसी प्रकार ये स्वर ल है, जैसे ल्र प्लस आकृति यानी कि ल्र में आ आगे समान स्वर आया है तो लाकृति हो जाएगा। ऐसे ल्र प्लस अ है और उसमें क्या होगा लल प्लस अकार तो क्या हो जाएगा लकार। तो ये हमने कौन से संधि के उदाहरण देखे, यण संधि के उदाहरण आपने समझे बच्चों। अब हमारी नेक्स्ट संधि है बच्चों वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद इधर ए या आई आए, यदि अ या आ के बाद इधर ए या आई आए तो दोनों स्वरों के स्थान पर क्या हो जाता है आई हो जाता, बड़ा आई हो जाता है। यदि अ या आ के बाद ओ या औ आए, ओ या औ आए तो क्या हो जाएगा तो दोनों स्वरों के स्थान पर औ हो जाएगा यानी कि बड़ा आई हो जाएगा और बड़ा ही औ हो जाएगा। उदाहरण से समझते हैं, जैसे मम प्लस एव, अ इधर अ के बाद ए आ रहा है तो अ और ए मिलकर क्या बन जाएंगे आई हो जाएगा तो ममैव, बड़ी की बड़े आई की मात्रा लगेगी, बड़ा आई ममैव। इस प्रकार एक प्लस एक, अ प्लस ए, इस प्रकार एकैक, सदा प्लस एव, आ प्लस ए यानी कि सदैव, तथा प्लस एव, आ प्लस ए तथैव, मत प्लस एक्यम, त अ प्लस ए ये भी मतैक्यम हो जाएगा, महा प्लस ऐश्वर्यम, आ प्लस ए यानी कि आई महेश्वर्यम, उस प्रकार महा प्लस औदार्यम, यहाँ आ अ या आ के बाद ओ या औ आए तो भी औ होगा तो महौदार्यम, यहाँ मम प्लस औत्सुक्यम, अ प्लस औ क्या बन जाएगा औ मत, ये क्या बन जाएगा ममौत्सुक्यम, गंगा प्लस ओधय गंगौध, वन प्लस औषधि वनौषधि। तो इस प्रकार जाना आपने संधि वृद्धि संधि के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट हमारी संधि है बच्चों अयादि संधि। यदि ए या आई या ओ अथवा औ के बाद, यदि ए आई ओ अथवा औ के बाद कोई अन्य असमान स्वर आए तो क्या होगा आय का क्या हो जाएगा तो ए का आई का आय और ओ का अव और औ का आव हो जाएगा। उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि ने प्लस अनम, ए प्लस अ है तो अय हो जाएगा नयनम, जैसे नई प्लस अके, इधर आई है और इधर अ है, आई और अ मिलकर क्या बन जाएंगे आय हो जाएगा नायक, जैसे आई प्लस इका यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ आई बन जाएगा नायिका, पो प्लस अन यानी कि यहाँ क्या अव बन जाएगा ये तो क्या बन जाएगा पवन, भो प्लस अनम ये क्या बन जाएगा ओ प्लस अ बन जाएगा अव भवनम, जैसे भव प्लस अकह यानी कि भावकह, जैसे नव प्लस इकह यानी कि नाविकह। तो इस प्रकार हमने अयादि संधि के कुछ उदाहरणों के बारे में जाना बच्चों। अब हमारी संधि है पूर्व रूप संधि। पद के अंत में यदि ए अथवा औ आए, ए अथवा ओ आए और उसके बाद में अ हो तो क्या होता है उसके स्थान पर अवग्रह, अवग्रह क्या होता है जो ये आप ये निशान देख रहे हैं बच्चों, ये एस जैसा लग रहा है आपको, इसको कहते हैं अवग्रह, तो ये हमारा इसका ये बन जाता है चिन्ह लग जाता है। जैसे उदाहरण से समझिए आप, हरे इधर ए है, मैंने बताया आपको कि इधर ए हो अथवा ओ हो या उसके बाद में कोई भी असमान स्वर कुछ भी आए तो ये जो है ये जो असमान स्वर है इसका ये बन जाएगा, इसका अवग्रह बन जाएगा तो ये पूर्व रूप संधि कहलाती है। तो ये क्या बन जाएगा हरे और अ का बन जाएगा ये हरेयव, इसको भी अ ही हम उच्चारित करेंगे हरेयव, जैसे ग्रामे प्लस अस्मिन तो ग्रामे अस्मिन, तो यानी कि इसका पूर्व रूप संधि में ऐसा ही वाला अवग्रह वाला चिन्ह बन जाएगा। विष्णु प्लस अब, ओ के बाद अ आ रहा है तो विष्णु अ का विष्णु अब, बहुत आसान है ये।
और ऐसे सर्वे प्लस अपि सर्वे और अ का ये बन जाएगा सर्वे अपि, सो प्लस अपि सो अपि, वनो प्लस अयम या जनो प्लस अयम, वनो प्लस अयम वनो अयम, ते प्लस अपि ते अपि, प्रभो प्लस अत्र प्रभो अत्र। तो इस प्रकार हमने बच्चों पूर्व रूप संधि के उदाहरण के विषय में जाना। अब संधि हमने समझी, स्वर संधि के सारे उदाहरण हमने समझे कौन कौन सी होती हैं, उन संधियों के बारे में जाना। अब पाठ में आए हुए कुछ अभ्यास कार्य देख लेते हैं बच्चों हम। पहला हमारा अभ्यास कार्य है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, इनकी हमें संधि विग्रह या विच्छेद करना है। जैसे च प्लस एव यानी कि चैव, आ प्लस एवं एवं, दिन प्लस ईशः दिनेश, अध्य प्लस एव अध्यैव, प्रति प्लस एक प्रत्येक, ने प्लस अनम नयनम, इति प्लस आदि इत्यादि, गण प्लस ईशः गणेशः, सु प्लस आगतम स्वागतम, तथा प्लस एव तथैव, विद्या प्लस आलय विद्यालय, को प्लस अपि को अपि। तो इस प्रकार बच्चों हमने यहां पर आए हुए शब्द उनका संधि विच्छेद किया। एक्सरसाइज नंबर टू बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद करिए और संधि का नाम भी लिखना है। पहला है हमारे पवन, पवन का संधि विच्छेद करेंगे हम, पो प्लस अनह अयादि संधि। गिरीशह, गिरी प्लस ईशह क्या बनेगी है? दीर्घ संधि। सदैव, सदा प्लस एव वृद्धि संधि। इत्यादि, इति प्लस आदि यण संधि। वधवागमनम, वधु प्लस आगमनम यण संधि। देव प्लस औदार्यम, देव प्लस उदार्यम देवोदार्यम यानी कि गुण संधि। पत्रालय, पत्र प्लस आलय दीर्घ संधि। महेंद्र, महा प्लस इंद्र गुण संधि। भानुदय, भानु प्लस उदय दीर्घ संधि। पुत्रोत्पत्ति, पुत्र प्लस उत्पत्ति पुत्रोत्पत्ति गुण संधि। सैव, स प्लस एव वृद्धि संधि। देवऋषि, देव प्लस ऋषि देवर्षि यण संधि। और नायक, नई प्लस अक अयादि संधि। तो इस प्रकार बच्चों हमने संधि के विच्छेद किया और उस संधि का नाम भी लिखा। तो हमने यहाँ जाना संधि विच्छेद और संधि का नाम भी दिया, संधि के बारे में जाना, संधि कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी संधि होती है, उनके कौन कौन से उदाहरण हैं, क्या क्या उनके नियम हैं। कि आप घर पर बहुत अच्छे से अभ्यास कीजिए, उन नियमों को याद कीजिए, तो आपको लगेगा कि आपको संधि बहुत आसानी से समझ में आ गई है। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।